नमस्कार दोस्तों, टेक्नोसिटी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि दो स्विच और एक सॉकेट का कनेक्शन कैसे करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा बैक साइड है, ये स्विच के दो टर्मिनल है और ये सॉकेट के है तीन टर्मिनल है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्विच के जो नीचे वाले दोनों टर्मिनल है उन दोनों टर्मिनल को आपस में जोड़ देंगे। ये वायर लेंगे और स्विच के नीचे वाले दोनों टर्मिनल को आपस में कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, ये दोनों टर्मिनल आपस में कनेक्ट हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, स्विच का जो ऊपर वाला जो टर्मिनल है उससे सॉकेट के एक टर्मिनल को कनेक्ट करेंगे। स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल में हम ये लाल वाला वायर लगाएंगे। उसके बाद में सॉकेट के एक टर्मिनल में ये वायर लगाएंगे, जिस तरफ L लिखा रहेगा उस तरफ हम ये लाल वाला वायर लगाएंगे। अभी ये L जो है वो देखिए यहाँ पर L लिखा हुआ है, तो L का मतलब होता है लाइव और N का मतलब न्यूट्रल। तो ये जो स्विच से जो वायर निकल रहा है ये हमारा लाइव में जाएगा, तो हम इस तरफ लगा देते हैं। ये अभी लेफ्ट में दिख रहा है दोस्तों, पावर हमेशा राइट में होता है, ये जब सीधा होगा तो ये राइट में चला जाएगा। ये हमने लगा दिया है, स्विच से हमने सॉकेट में कनेक्शन कर दिया है। अब हमारे पास में जो है न्यूट्रल वाला जो है बचा है एक, न्यूट्रल के अंदर हम ब्लैक कलर का वायर लगाएंगे। ये ब्लैक वायर ले रहे हैं और ये न्यूट्रल में हम कनेक्ट कर रहे हैं। दोस्तों ये वायर जो है वो डायरेक्ट एमसीबी से सप्लाई से आ रहा है, हम यहाँ पे सॉकेट में न्यूट्रल दे रहे हैं। अब ये लाल कलर का वायर पॉजिटिव वायर है, ये भी सप्लाई से आ रहा है, तो इसको हम स्विच के जो नीचे वाले दोनों टर्मिनल को हमने आपस में जोड़ा था उसमें से किसी भी एक टर्मिनल में इस वायर को लगा देंगे। यहाँ पर लगा के हम इसको टाइट कर देंगे। स्क्रू सभी अच्छी तरह से दोस्तों टाइट कर लेना है, ध्यान रहे कोई भी स्क्रू ढीला नहीं रहना चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव वायर लग चुका है। अभी हमारे पास में जो सॉकेट का एक सिरा बचा है वहाँ पर हम अर्थिंग का वायर लगाएंगे। अर्थिंग का वायर लगाना जरूरी है दोस्तों, अपन कोई भी अगर अप्लायंसेस लगाते हैं तो उसके अंदर लीकेज करंट नहीं आए, इसके लिए अर्थिंग लगाएंगे। ये अर्थिंग लगा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अर्थिंग लग चुका है। अब हम इसके अंदर एक बल्ब लगाएंगे। हमारा एक स्विच जो है अभी खाली है, तो उस एक स्विच के अंदर हम बल्ब लगाएंगे। तो बल्ब का कनेक्शन कैसे करेंगे आपको दिखाते हैं। ये देखिए एक बल्ब लिया है हमने, होल्डर लिया है, और इस बल्ब में से होल्डर में से दो जो वायर निकले हैं उन दोनों वायर को हम कैसे कनेक्ट करेंगे। सबसे पहले ये लाल वाला वायर हम ले रहे हैं, तो स्विच का ऊपर वाला जो एक टर्मिनल बाकी है उसके अंदर हम ये लाल वाला वायर लगाएंगे, ताकि स्विच से कंट्रोल होते हुए सीधा होल्डर के अंदर पावर हमारा पहुंच जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब जो न्यूट्रल जो होता है वो कॉमन होता है, ज़्यादातर न्यूट्रल बाहर से लेते हैं, लेकिन अभी जो है मैं आपको एक्सपेरिमेंट करके बता रहा हूं, तो ये जो न्यूट्रल आया है सप्लाई में से इसके अंदर ये न्यूट्रल वाला वायर हम कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बल्ब में होल्डर में जो लगा हुआ वायर था वो एक न्यूट्रल में कनेक्ट हो गया है और एक स्विच में कनेक्ट हो गया है, जो कि स्विच से कंट्रोल होते हुए होल्डर में जाएगा। इसको हम टाइट कर लेते हैं। ये अंडरग्राउंड जो वायरिंग है हमारा हो चुका है, स्क्रू को सभी हम बराबर टाइट कर लेंगे। कोई भी स्क्रू अगर ढीला रहता है तो स्पार्क होके जलने का चांस रहता है, तो स्क्रू कोई भी ढीला नहीं रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये जो हमारा वायरिंग है वो हो चुका है, अब हम इसको चेक करके देखेंगे।
हम इसके अंदर पावर का सप्लाई देंगे। ये देखिए दोस्तों, हमने पावर का सप्लाई अभी हमने दे दिया है। ये देखिए टेस्टर में लाइट चल रहा है, ये स्विच बंद करने पर ये लाइट जो है ऑफ हो रहा है, मतलब कि हमारा सॉकेट चालू हो गया है। हम होल्डर को चेक करेंगे। ये देखिए हमने होल्डर के अंदर बल्ब लगा दिया है, ये स्विच ऑन करते ही ये बल्ब ऑन हो गया है, स्विच को ऑफ करते ही जो है बल्ब ऑफ हो रहा है। ये देखिए ऑन है और ये ऑफ हो गया। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।